नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जितने लोग भी नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आज आपके कहने पर ही कि सर ICAR का जो वैकेंसी आया है उसके लिए कुछ आप प्रोवाइड कराओगे या नहीं कराओगे, तो काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी, तो उसी को देखते हुए हमने डिसाइड किया है, टीम ने डिसाइड किया है कि आप जैसा बोल रहे थे उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने एक VOD बैच, उसमें कुछ वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा और कुछ आपका लाइव भी चलेगा, उस बैच को हम लेकर आए हैं। तो एक्चुअली इसमें ICAR IARI में इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च वाले में 400 समथिंग आपके पोस्ट आया है, असिस्टेंट का पोस्ट है, और इसका जो सिलेबस है कहीं ना कहीं आप जो पढ़ते हो उसी से रिलेटेड है। तो एक बार जिक्र कर लेते हैं कि क्या है आपका, कब से फॉर्म फिल हो रहा है, सिलेबस क्या है, स्टेजेस क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जिन्हें भी बैच अगर इसका स्पेशल चाहिए ICAR IAR का, तो इसका बैच जो है VOD बैच लॉन्च कर दिया गया है आपके कहने पर, 399 का बैच है। जितना हो सकता है हम न्यूनतम में आपको रखते हैं कि आपका भी जेब जो है ऐसा ना हो कि आपके जेब से ज़्यादा चीज़ चली जाए, ठीक है। 399 में मात्र पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आपके पैटर्न पर रहेगा, वीडियो क्लासेस जिसमें रिकॉर्डेड और कुछ लाइव क्लासेस भी हम आपको दे देंगे, प्लस नोट्स रहेगा, ये असिस्टेंट के लिए है। बाकी जो लोग PET, क्योंकि लेखपाल की भी कट ऑफ आपकी आ चुकी है, तो अब अगले के लिए आप जान रहे होंगे कि PET कितना इम्पॉर्टेंट रखता है, तो आप PET की अगर क्लास ज्वाइन करने चाहते हैं जो 15 तारीख से हमारी क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, तो अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप 399 में इस बैच को ले सकते हो। इसमें पूरी लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं और 30 से प्लस टेस्ट हैं आपके, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग इसके वो देख लेते हैं। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IAR, ये 6 पे की जो ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको, पेमेंट्स जो स्केल है इसका 6वां है, ठीक है, पे स्केल 6 और ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट पे स्केल 7, ठीक, इन दोनों से रिलेटेड हैं। और इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन हो चुका है 7 मई 2022 से, 1 जून लास्ट डेट है आपके फीस सबमिशन का भी, करेक्शन के लिए 5 जून से 7 जून विंडो खुलेगी, ठीक है। उसके बाद से ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन होगा CBT, वो बोल दिया गया है कि लास्ट वीक ऑफ जून टेंटेटिव है, मतलब जाहिर सी बात है जो केंद्र की वैकेंसियां होती हैं, जो ये छोटे वैकेंसियां होती हैं, इनका जो बोल दिया जाता है उस पर हो जाता है और उस पर चीजें जल्दी होती है, उनमें ये थोड़ा जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे धांधली हो गई वहां पे हो गई, इनमें थोड़ा कम चांसेस है। और इसको TCS ही कंडक्ट कराती है, एक लिमिटेड टाइम में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपकी तैयारी है और रिविजन पर्पज से आपको चाहिए कि हाँ मुझे इसके लिए रिवाइज कर लिया जाए, पूरा ऑलमोस्ट SSC है समझ लो, जो SSC वाले बच्चे उनके लिए आसान होगा, और जो प्रदेश की तैयारी करने वाले हैं और कहीं ना कहीं इतनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, तो भाई आपके चीज़ें तो कुछ ना कुछ कंफर्म ही हैं, आप मैथ्स पढ़ चुके हो, आप रीजनिंग पढ़ चुके हो, हिंदी की जगह आपको थोड़ा सा इंग्लिश में मेहनत करना पड़ेगा, GS आपका वही रहेगा, तो वही चीज़ें हैं, बाकी और कुछ अलग नहीं है, बस आपको उसको अलग शेप देना होगा, ठीक है। तो जून के लास्ट तक ये कहा गया हो जाएगा, मेंस का आपका बताया जाएगा कि कब इन्फॉर्म किया जाएगा, और स्किल टेस्ट 3 पार्ट में होगा आपका, प्री होगा, मेंस होगा और स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद से आप यहाँ पे वैकेंसी के बारे में देख लीजिए टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबके अलग अलग हैं, यहाँ पे 44 है, 16 है, 7 है, तो इसके हिसाब से यहाँ 235 है, 69 है, तो ये टोटल आपका जब हाँ, तो ये यहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है, 400 समथिंग के पोस्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो जनरल आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, और कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट भैया 20 से लेकर 30 तक होता रहना चाहिए जनरल, ठीक है, यही आपका काउंट मांगा है, 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है SC ST को, SC और ST को 5 साल का मिलता है, OBC को आपका 3 साल को मिलता है, और डिसेबिलिटी वाले को यहाँ पर दिया गया है शायद मैक्सिमम 10 साल का है, तो वो आप अपने हिसाब से नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें सब कुछ दिया गया है, ठीक है। तो फॉर्म की जो फीस है वो भी दिया है कि अब 500 रुपया एग्जामिनेशन फीस है, 700 एग्जामिनेशन है, 500 ये टोटल 1200 फीस ज़्यादा ये लोग लेते हैं, आप लोग जानते हो वो एकदम उसी हिसाब से बैंक की तरह ये भी है थोड़ा सा, ठीक है। SSC वाले में तो कम लगता है, लेकिन ये बैंक वालों की तरह है। UR OBC EWS सबकी फीस 1200 होगी, बाकी आपके शेड्यूल कॉस्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जो फीस है वो 500 रुपया होगी, ठीक है।
उसके बाद से इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है कि आपका चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से तय कर दिया गया है कि यूआर के लिए 30% चाहिए आपका, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए इतना अगर आप हो तो क्वालिफाई मानो जाओगे, नहीं तो क्वालिफाई नहीं। एससी और एसटी के लिए आपका क्या है 20%, इसमें पीएच वाले भी हैं। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो आपका जितना पेपर होगा उसका इतना परसेंट आप अगर लाते हो तो क्वालिफाई माने जाओगे, ठीक है। उसके बाद से अप्लाई के लिए प्रोसीजर बताया गया, वो आप नोटिफिकेशन से पढ़ लेना। बाकी हम सिलेबस पे जिक्र कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। चलो, बाकी यहाँ सेंटर भी हर जगह है, ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर नहीं है इसका, उत्तर प्रदेश में हर जगह सेंटर है, लखनऊ में भी है आपका। यहाँ पर देखो, जो पहला होगा असिस्टेंट के लिए प्री, जो होगा आपका प्री, आपका ऑलमोस्ट एसएससी की तरह है, सीजीएल सीएचएसएल की तरह। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश आपका यहाँ पे जहाँ प्रदेश वाले को हिंदी आती है वहां पे थोड़ा सा आप अगर इंग्लिश में मेहनत कर ले आते हो, और वोकैब से ही आपसे पूछता है, ग्रामर का बहुत कम ही पोर्शन होता है, तो यहां से आपको चांसेस बन सकते हैं। और ये एक घंटे का पेपर एकदम एसएससी की तरह होगा, ठीक है। एसएससी वालों के लिए तो ये कहीं ना कहीं एक और गुड अपॉर्चुनिटी है। और मेंस भी आपका एसएससी पे है, लेकिन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे होंगे, ठीक है। वहां पे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। दो घंटा आपको यहाँ पे समय मिलेगा। उसके बाद से सेकेंड स्टेज होगा आपका ऐसे हिंदी और डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी में, ऐसे वैसे वाला आएगा जो सेम एक घंटे का होगा। इसके बाद से अगर आप ये कर ले जाते हो तो जाके आपका स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और उन सब से एक्सेल ओक्सेल का ये टेस्ट होता है। तो ये सब चीजें हैं। सिलेबस ऑलमोस्ट आप जो पढ़ते हो जनरल इंटेलिजेंस में हर एक एग्जाम के लिए वही है। खासकर एसएससी को फोकस करोगे तो आपको क्वेश्चन पैटर्न भी पता चल जाएगा। आपका जनरल अवेयरनेस, कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक डेटा से ही पूछता है और करंट का वेटेज ज्यादा रहता है, तो वही चीजें हैं। मैथ्स आपका एकदम एसएससी पैटर्न वाला ही है, तो उसी को फोकस करके आपका जो वीओडी बैच है 399 में, ठीक है, वो वीओडी बैच निकाल दिया गया है। इसमें आपको कुछ रिकॉर्डेड, कुछ आपके लाइव क्लासेस मिलेंगी और 10 टेस्ट मिलेगा, जो क्योंकि ये किसे एनालाइज करके, एसएससी को एनालाइज करके बनाया जा रहा है, ठीक है। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे और इससे आप अपनी, क्योंकि जून में होने वाला है तो ऑलमोस्ट आपका रिविजन हो जाएगा और आप जिनको भी देना होगा वो दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप परीक्षा प्लस ऐप से कर सकते हो। तो अगर कोई दिक्कत हो, कोई इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।